देखो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की अगर हम बात करें तो उसमें ये अगर ग्राफ प्लॉट करें और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये फोर्स एफ है, और मान लो ये मेरा ग्राफ है कुछ ऐसा, ये कर्व है और फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 10 न्यूटन है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर है। ठीक, आपको ये ग्राफ गिवन है। अब अगर यहाँ से एफ और एक्स ग्राफ आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसका वर्क डन निकालें, वर्क डन होता क्या है एफ इंटू एक्स, और ग्राफ देखते हुए क्या निकालें इसके अंडर एरिया, तो इसके अंडर अगर आप एरिया निकालेंगे तो चेक करें एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये नोट लिखें, तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स 10 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 10 है, आंसर क्या आएगा 100 जूल। तो एक नया रिजल्ट आ गया कि एरिया की वैल्यू अगर निकाल लें एफ और एक्स की तो आपको अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। सही, कोई डाउट इसमें? अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो समझ में आ गया, रिजल्ट आ गया हमें कि इसकी जो वैल्यू है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर एरिया आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा, सही है। अब सपोज करो एक मिनट के लिए कि आपको मैं एफ और एक्स का जो ग्राफ दे रहा हूँ वो ऐसा दे रहा हूँ, ये कर्व है, ठीक है? तो इसमें मान लो ये कर्व गिवन है सच दैट ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये एक्स वन है और ये वाली वैल्यू एक्स टू है, बनाओ एक्स वन और एक्स टू है, ये बात तो 100% है। आप कितना भी मैथ सीखाएं और कितना भी बोले मेरे को बहुत मैथ आता है, तुम इसका एरिया निकाल पाओगे आज तो निकाल पाओगे, प्लस टू के बाद निकाल पाओगे बात अलग है, क्योंकि प्लस टू में कैलकुलस की हेल्प से इसके एरियाज निकाले जाते हैं और टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, ये प्लस टू के कैलकुलस में आता है एरिया अंडर द कर्व। वो लोग क्या कहते हैं जो टेढ़े मेढ़े एरियाज हैं वो भी निकाल देते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो उनकी अपनी टेक्निक है, पर उसके लिए इंटीग्रेशन आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता के छोड़ रहा हूँ कि एक्चुअल में करते कैसे हैं, पर हमने उसको करना नहीं, हमारी फिजिक्स में पूछा नहीं जाता, और हमारी फिजिक्स के अंदर इसका एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट दे के छोड़ दिया जाता है कि ताकि स्टूडेंट को पता लग जाए, वो कल को ये ना सोचता रहे कि सर कांस्टेंट फोर्स का तो फटाफट एरिया आ गया एफ इनटू एक्स, वेरिएबल फोर्स देख रहे हो, फोर्स क्या हो रही है वेरी, वेरिएबल फोर्स का तो मैं एरिया निकाल ही नहीं पा रहा, तो मैं तो ग्राफिकल एरिया निकाल ही नहीं पाऊंगा तो मेरा तो वर्क डन ही नहीं आएगा। हाँ ये बात श्योर है आपको ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्यों पूछेगा जिसका एरिया निकलेगा ही नहीं। लेकिन मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ इसमें, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये वेरिएबल फोर्स है राइट, इसका एरिया मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैंने क्या किया इसका एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ले लिया, कर्व का छोटा एलिमेंट कभी कर्व होता ही नहीं है, स्ट्रेट होता है, तो मैंने एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट है,
ये जो एलिमेंट ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है इसका पार्ट है, सच दैट इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर वो कितनी है, dx है, dx ले लिया। और अगर आप ध्यान से देखें ये जो एक्सिस है वो क्या शो कर रहा है, फोर्स। मैं यहां नहीं, यहां ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ तो फोर्स आती होगी, वो मैंने ले ली। और मैंने ये कहा क्योंकि ये कर्व है, कर्व जरूर है, पर मैंने फिर कहा कि अगर आप अगला एलिमेंट, अगला एलिमेंट, अगला और अगला एलिमेंट लेंगे वो सारे स्ट्रेट ही लेने हैं, वो कर्व हो नहीं सकते क्योंकि स्मॉल एलिमेंट कभी कर्व होते ही नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि बस आप एक काम करो, मुझे इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ कितना है, तो आप क्या करोगे, इसके अंडर एरिया निकाल दो। अभी अभी देखा हमने एरिया अंडर दी कर्व क्या देता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट ऑफ वर्क डन देता है। तो इसके अंदर इसका स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ, रेक्टेंगल का एरिया एफ इंटू कितना, डी एक्स। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया कितना, डी डब्ल्यू। तो क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही बना, ये देखो, ये देखो। और अगर मैं इस नेक्स्ट एलिमेंट के अंडर एरिया निकाल लूं वो भी क्या आएगा, डी डब्ल्यू। फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट और लिया, इस नेक्स्ट एलिमेंट का भी एरिया निकाल दिया और वो कितना आया, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल्स ले लेके टोटल एरिया निकाल दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एरिया अंडर दी कर्व आ गया, पूरे का पूरा एरिया आ गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। आप अगर इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो स्मॉल स्मॉल एरियाज मिलाने पड़ेंगे। और पैरेलली अगर मैं मैथमेटिकली यही बात कहूँ, मैथमेटिकली किसी भी एक एलिमेंट का एरिया कितना आया आपके पास, यही आया ना। और मैथमेटिकली टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आई से लेके या एक्स वन से लेके एक्स टू तक, मैथमेटिकली ये निकल रहा है और ग्राफिकली ऐसे निकल रहा है। मतलब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि मैंने डी डब्ल्यू एफ डी एक्स लिया, एफ डी एक्स लिया, एफ डी एक्स लिया, एफ डी, और मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऐसी है। आपको पेपर में मैथमेटिकल आएगा, आपको ग्राफिकल टेढ़े मेढ़े एरिया निकालने नहीं आते। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि ग्राफिकल एफ डी एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकल कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, तो कायदे से ये ग्राफिकल चलता है और ये इसके मैथमेटिकल वैल्यूज चलती हैं। हम अपने पेपर में ऐसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल फोर्स को, ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन कोई अगर ग्राफिकल करना चाहे और सोचना चाहे तो वो ऐसे सोच सकता है, ताकि वो मेरे से ये ना पूछे कि सर इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है। तो मैं कहूँगा तो ऐसे निकाल ले, मैथमेटिकल निकाल लेंगे, ग्राफिकल नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, जिसका ग्राफिकल निकाल पाएंगे उसका ग्राफिकल निकाल लेंगे, अगर स्ट्रेट लाइंस हैं उनका एरिया तो निकाल ही पाएंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक।